हिमाचली नीलम ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। तो चाय का समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं, तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बबरू, जिसको हम गुलगुले भी बोलते हैं, और मसाले वाली चाय, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं बबरू और मसाले वाली चाय। गुलगुले या बबरू भी बोल सकते हैं, उनको बनाने के लिए ले लिया है मैंने। 1½ कटोरी ली है मैंने गेहूं का आटा। इसके लिए मैंने 1/2 कटोरी ली है चीनी की, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इसको हम गर्म पानी में चीनी डाल के पिघला सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। जब तक चीनी पिघल ना जाए तब तक मैंने चाय का मसाला बनाने के लिए ले लिया है मीठी सौंफ, दालचीनी, 4 ली है छोटी इलायची, 15 से 20 ली है काली मिर्च और 3 लिए लौंग। इनको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर पीस लेंगे। का मसाला पीस के जो तैयार हो चुका है, अब हम बबरू के बैटर तैयार कर लेते हैं। जो पानी हमने लिया था चीनी डाल के, वो हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसका एक बैटर बना लेते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा घना या पतला नहीं करना है। तो इसमें हम ईस्ट या मीठा सोडे की 1/2 बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से घोलेंगे। हमारा आटा जो बबरू के लिए हम घोल रहे थे, वो अब घोल के तैयार हो चुका है। ये ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला है इसका बैटर। तो अब हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बबरू बनाने शुरू कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हाथ में हम थोड़ा पानी लगा लेंगे। पानी लगा के हम इसमें छोटे छोटे बबरू डाल देंगे। गुलगुले के लिए हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो गाइस, हमारे बबरू बनके हो गए हैं तैयार। अब बना लेंगे हम चाय। जो मसाला हमने बना के रखा था, इसको डाल के गर्मा गर्म मसालेदार चाय और बबरू हो गए हैं तैयार। तो हम कर रहे हैं इनको एंजॉय। तो आप भी अपने घर पे बबरू और मसालेदार चाय बनाएं और नीलम शर्मा के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।